तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार देखो, ये वाली वीडियो मेरे दिल के सबसे करीब है और ये यार वीडियो इतनी ज़्यादा शेयर होनी चाहिए कि कम से कम गेमिंग प्रो ओशन सर तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचनी चाहिए। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आपको ज़रूर समझ में आएगा। मैंने आज तक नहीं बोला है वीडियो के स्टार्टिंग में कि इसको शेयर करना, लेकिन मैं अभी इस वाली वीडियो के लिए ज़रूर बोलूँगा कि यार इसको ज़रूर शेयर करना। आप लोगों में से कुछ ही लोग जानते होंगे इसका के बारे में, और अभी यार बहुत सारे लोग इसको जान जाएंगे और मैं सच में चाहता हूँ कि इसको सब कुछ मिले जो डिजर्व करता है। तो यार ये है कहानी एस्का गेमिंग की। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पबजी मोबाइल के ग्लोबल लीग्स में दबदबा कौन सी टीम्स का है, कौन सी कंट्री की टीम्स का है, तो यार सभी के सभी नाम लेंगे चाइना का। और चाइना का यार, चाइना के प्लेयर्स किस लेवल पर हैं ये हम सभी जानते हैं और हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं उनके बारे में, चाइनीज़ प्रोज के बारे में। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ कि एक इंडिया का ऐसा बंदा है जो चाइना के लेवल पर खेलता है, उनको डोमिनेट भी करता है कई बार, और सारे मतलब जो चाइनीज़ बंदे आपस में खेलते रहते हैं उसमें एक ही इंडियन बंदा है, मान लो आप ये सोच कर देखो, आप सोच कर देखो कि पूरे उसमें अगर हम लोग भी खेलते हैं, हम सारे इंडियन जन, उसमें कोई एक बाहर का प्लेयर आता है, वो हमें मारता है, हम सब उसको जानते हैं अगर, तो सोचो वो कितना अच्छा प्लेयर होगा। और यहाँ पर तो मैं चाइनीज़ प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ जिनको स्काउट भाई भी मानते हैं कि वो अलग ही लेवल पर हैं। एक अगर मैं आपको सिंपल सा भी आइडिया देने की बात करूँ ना, तो भाई ये बंदा पैराबॉय की लाइव स्ट्रीम तक पे खेलता रहता है उसके साथ में, लेकिन इसको इंडिया में नहीं जानते हैं। और पैराबॉय को कितना ज़्यादा जाना जाता है मैं आपको बताता हूँ, चाइना में यूट्यूब नहीं चलता, चाइना में उनका खुद का प्लेटफॉर्म चलता है जिसपे पैराबॉय स्ट्रीम करते हैं। और पैराबॉय की वॉचिंग अगर मैं आपको बताऊँ ना, एवरेज वॉचिंग ही 5-6 लाख होती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे इंडियन स्ट्रीमर्स की कितनी आती है, और 5-6 लाख उनकी एवरेज वॉचिंग है। उनके बर्थडे पे 1 मिलियन की वॉचिंग क्रॉस हुई थी, और वो बंदा अच्छे से जानता है इसका को। लेकिन यार इंडिया में उसका कैसा सीन है मैं आपको ये सब कुछ बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ यार ये बंदा स्टार्ट कहाँ से हुआ। ये बंदा यार पबजी मोबाइल को तब से खेल रहा है जब इंडिया में वो लॉन्च भी नहीं हुआ था, क्योंकि ये चाइना का एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है बिलीबिली नाम का, उस पर ऑलरेडी ये स्ट्रीम करता था फर्स्ट पर्सन शूटर के गेम्स, बुलेट फोर्स हो गया और क्रिटिकल ऑप्स हो गया। इससे इसके ऑलरेडी चाइना में बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बन गए थे, तो उसके पास बीटा अकाउंट्स का एक्सेस था, उन लोगों ने इसको बीटा अकाउंट्स दे दिए थे तब से ही जब पबजी मोबाइल आया भी नहीं था। और इसको प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा थी फर्स्ट पर्सन शूटर्स की कि इसने स्टार्ट ही अपना 4 फिंगर से किया था, और गेम आने के 3-4 महीने के अंदर ही, आप सोच सकते हो 3-4 महीने मतलब थर्ड या फोर्थ सीजन के अंदर ही इसने पहले से ही 5 फिंगर क्लॉ स्टार्ट कर दिया था। और मेरा मन भी नहीं है यार कि मैं अपना गेम प्ले दिखाऊं, मैं आपको इसी बंदे का गेम प्ले दिखाता हूं और फिर बताना शुरू करता हूं। ये मोस्टली आपको क्लिप्स यार स्क्रिम्स और कंपेटिटिव की मिलेंगी, और प्रॉपर T1 लेवल के आपको गेम प्लेज मिलेंगे। और इसमें यार आप चाहे DMRs की बात कर लो, स्नाइपिंग की बात कर लो, एम ट्रेसिंग की बात कर लो, क्लोज रेंज की बात कर लो, यू नेम इट, एंड दिस गाय हैज मास्टर्ड इट ऑल, एंड दैट टू ऑन जस्ट एन एंड्रॉइड डिवाइस। तो इसके गेम प्ले के तैयार मैं क्या ही बात करूँ, आप खुद ही देखते जाइए। अब मैं आपको बताता हूँ यार ये इसकी स्टोरी कहाँ से शुरू हुई। तो यार PMSC यानी कि पबजी मोबाइल स्टार चैलेंज अगर आपको याद हो, सबसे पहली बार जब आया था जिसमें मॉर्टल भाई ने भी, स्काउट ने भी, सब ने कम्पीट किया था, उसमें भी ये थे। क्योंकि बिलीबिली जो चाइना का प्लेटफॉर्म है उस पर ऑलरेडी इनके 1000+ फॉलोअर्स थे, जिसकी वजह से इनको ये चांस मिल गया था कि ये इन स्टार्स के बीच में भी कम्पीट कर पाएँ। और यार इनके पास में डिवाइस भी अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से इनको अपने कॉलेज के फ्रेंड के सामने अपने हाथ जोड़ने पड़ते थे, जिस वजह से उसका फ़ोन उनको मिलता था यार कुछ देर के लिए, जिसमें से यार ये खेल के जल्दी से रिकॉर्ड करके वीडियो डाल भी पाए यूट्यूब पे और बिलीबिली पे। खैर तो यार जब PMSC ख़त्म हुआ तो स्काउट भाई को कॉडेल की टीम ने उठा लिया, लेकिन यार अगर एस्का गेमिंग को भी सिलेक्ट किया होता तो यार बहुत आगे होते यार एस्का भाई भी आज अपने। तो यार इसके बाद में इसका भाई ने रैंडमली टीम्स को यार उठाया और उनके साथ में बहुत अच्छा ग्राइंड करना शुरू किया, और यार उन्होंने कंपेटिटिव में यार अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स के सेमीफाइनल्स और क्वार्टर फाइनल्स तक भी वो गए। लेकिन यार आप खुद ही सोच सकते हैं कि यार उनके पास में एक मिड एंड डिवाइस था सैमसंग का, और यार वो लास्ट में कितना ज़्यादा लैग करता, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। स्टार्टिंग में तो यार फिर भी ठीक था, लेकिन जब वो फ़ोन पुराना होने लग गया तो बहुत ज़्यादा लैग करने लग गया, जिस वजह से यार इनको यार कंपेटिटिव सीन से ही ब्रेक लेना पड़ गया। उस वजह से यार उन्होंने 5-6 महीने तक एक भी कंपेटिटिव मैच नहीं खेला, और यार ये चीज़ उनकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक हो गई उनके कंपेटिटिव सीन में, क्योंकि यार इस बीच आ गया सबसे बड़ा टूर्नामेंट पबजी का PMCO, और जो इंडिया में हुआ था PMCO, वो आपको याद होगा कि उसमें सोल जीती थी और IND सेकेंड आई थी। तो इसके बाद से यार बहुत ज़्यादा हमारी जो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी थी वो आगे निकलने लग गई, लेकिन यार उनके पास में डिवाइस नहीं था, इस वजह से इसका भाई पीछे रह गए। और जो वर्ल्ड लेवल पर हुआ था इसके बाद में यार ये हुआ कि जब वर्ल्ड लेवल पे PMCO हुआ, उसमें चाइनीज़ टीम्स आई, उन्होंने बिल्कुल डोमिनेट किया, और वो डोमिनेट करके ट्रॉफी उठाकर चली भी गई। और यार एस्का भाई क्या थे, मतलब वो खेलते नहीं थे लेकिन
चाइनीज टीम्स को यार बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते थे और उनके साथ में यार इनके कॉन्टैक्ट्स भी थे, तो यार ऑलरेडी इनको बहुत सारा एक्सपीरियंस था जिसको यार इन्होंने सोचा कि यूटिलाइज करना चाहिए, जिस वजह से यार इन्होंने दोबारा से स्टार्ट किया कम्पिटिटिव खेलना। और नवंबर 2019 में जाकर इन्होंने अपना पहला 60 FPS वाला डिवाइस खरीदा, OnePlus 70। और यार बाय लक इनको हाइप नाम की एक टीम मिल गई जो PMIT ग्रैंड फाइनलिस्ट थी, तो यार इनको T1 स्लॉट्स मिलते थे और इन्होंने उन्हीं के लेवल पे कम्पीट करना स्टार्ट कर दिया जिसपे बाकी टीम्स कम्पीट करती थी। और यार इसके बाद में इन्होंने जो PMCO 2020 का स्प्रिंग स्प्लिट हुआ था इसी टीम के साथ मिलकर यार इन्होंने क्वालिफाई किया, कितना ज्यादा तो यार उस टाइम पे ही यार कॉम्पिटिशन हो गया था। और उसके बाद में भी यार इन्होंने इनकी टीम्स के पास में एंड्रॉयड डिवाइसेज थे, वाईफाई भी नहीं था यार, डेटा पे खेलते थे ये। और यार उस PMCO को खेलने के लिए भी यार इनको अपने घर से स्पेशली अपने मौसी के घर जाना पड़ता था क्योंकि वहाँ पर यार डेटा पर, इनके मोबाइल डेटा पर थोड़ा सा अच्छा नेटवर्क आता था। और इन सब के यार इन सब परिस्थितियों के बाद में भी यार इन्होंने क्वालिफाई किया जो कि यार अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये टॉप 32 तक भी यार गए थे PMCO 2020 स्प्रिंग स्प्लिट के। और यार लेकिन यार आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा टफ कंपटीशन हो जाता है, स्पेशली अगर आपके पास में एंड्रॉयड डिवाइसेज हैं, आपकी टीम के पास में अच्छा डेटा नहीं है, तो आप यार ऑलरेडी ही आप बहुत ज़्यादा नुकसान में हो जाते हो। तो यार उस वजह से यार ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन यार ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और यार ये जितने भी आप प्लेयर्स को जानते हैं उन्हीं के साथ में यार उनके अगेंस्ट इन्होंने खेला, उनको मारा भी, और यार एटलीस्ट उनके साथ में यार वो खेल चुके थे, तो यार ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट तब उनको स्पॉन्सर मिले, लेकिन यार उनको स्पॉन्सर नहीं मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि यार वो सबके सब डिमांड कर रहे थे कि आप इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स तक जाइए या फाइनल्स तक जाइए, लेकिन यार एक समझाने वाली चीज़ यही होती है ना कि यार क्वालिफाई करने के लिए ही तो उनको यार डिवाइसेस चाहिए थे, और अगर उनके पास ऑलरेडी डिवाइसेस होते ही तो वो क्वालिफाई कर ही जाते ना यार। लोगों ने यार सुना तक नहीं है, लोगों को पता तक नहीं है कि यार इसका नाम का बंदा भी है यार जिसने PMCO तक खेला है। और यार उस टाइम पर भी यार इनकी स्काउट तक से बात होती थी, तो यार अब प्लेयर्स के पास में डिवाइस नहीं था, इस वजह से इनको यार वो वाला लाइनअप भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि यार इनको उम्मीद थी कि यार एटलीस्ट वो इन्हीं के लेवल पे खेल के आए हैं जिनकी जो जो बड़ी टीम्स को हम जानते हैं, तो यार एटलीस्ट उनमें से यार कोई टीम तो इनको चांस देगी। लेकिन यार इनको किसी ने भी कोई भी चांस नहीं दिया, इन्होंने लिटरली हर एक टीम से बात करी लेकिन यार इनको कोई भी चांस नहीं मिला, जिस वजह से यार इसका को आगे बहुत टाइम तक यार अंडरडॉग लाइनअप्स के साथ में कम्पीट करना पड़ा, जिसमें से एक थी फ्यूचर स्टेशन जिसमें से यार एक्सलरेट बॉय भी खेलते थे। तो यार बहुत सारे लोग एक्सलरेट बॉय को जानते होंगे, लेकिन ये चीज़ बहुत कम लोग जानते होंगे कि एक्सलरेट बॉय के साथ में भी एस्का ने खेला है, और एस्का ने ही IGLing की थी अपनी उस टीम के साथ में। तो यार इनका इंडिया में कंपेटिटिव सीन यार इतना ज़्यादा खेलने के बाद भी, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी रिसोर्सेज ना होने की वजह से इनको यार ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला इंडिया में। लेकिन अगर मैं यार आपको चाइना की बात बताऊँ, तो यार चाइना में इनको पैरा बॉय तक रिस्पेक्ट करते हैं। पैरा बॉय की यार मैंने आपको ऑलरेडी बताया 5-6 लाख की वॉचिंग रहती है, और ये लाइव स्ट्रीम पर उनके साथ में भी खेलते रहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि यार 1-1.5 घंटा भी अगर कोई बंदा पैरा बॉय के साथ उसकी लाइव स्ट्रीम पर खेल रहा है तो उसको 5-6 लाख लोग जान गए उतने से ही देर में। और यार क्योंकि इंडिया में यार इनको नहीं मिला, तो यार लेकिन चाइना में इनके कॉन्टैक्ट से तो इन्होंने चाइनीज स्क्रिम्स खूब सारे खेले। आप समझ सकते हैं यार चाइनीज स्क्रिम्स एकदम हार्डकोर मोड में होते हैं जिसमें ना एम असिस्ट होता है, ना आपका ऑटो पिकअप होता है, ना आपके अपने आप डोर्स खुलते हैं, ना आपको यार एक भी गोली का निशान आता है, फुटप्रिंट भी बन के नहीं आता है, और आपको सब कुछ यार खुद से ही करना होता है। उसमें भी यार इस बंदे ने इतने ज़्यादा चाइनीज स्क्रिम्स खेले चाइनीज टीम्स के साथ में कि यार ये बेसिक चाइनीज तक बोलना सीख गया। आप सोच सकते हैं कि आपको लैंग्वेज तक समझ में नहीं आ रही क्योंकि वो आपस में चाइनीज में ही बात करते रहते हैं, तब भी यार इसने चाइनीज स्क्रिम्स खेले और उसमें भी परफॉर्म किया अच्छा खासा। यार चाइनीज स्क्रिम्स भी इनको इसलिए खेलने पड़ते थे क्योंकि यार इनको एक्सपीरियंस लेना था, हार्डकोर एक्सपीरियंस लेना था, और इंडिया में यार इनका इतना अच्छा सीन नहीं था कंपेटिटिव का। तो यार आप खुद सोच सकते हो कि ऐसे प्लेयर्स यार मतलब चाइना की एक एक टीम जो कंपेटिटिव खेलती है अच्छे लेवल पर वो इसका को जानती है। आप ये सोच सकते हो कि उनके टीम में भी यार इंडिया का नाम रोशन किया है इस बंदे ने, लेकिन इसको इंडिया में ही यार लोग नहीं जानते हैं। और यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसका के पास रिसोर्सेज नहीं थे सही टाइम पर, यार अच्छा डिवाइस नहीं था, अच्छा डेटा भी नहीं था, और यार अगर उनके पास यार चैनल पे भी थोड़ी बहुत रीच होती ना तो भी उनको किसी ना किसी टीम ने जरूर ले लिया होता। आप ये सोच सकते हैं कि यार जो चाइना का खुद का प्लेटफॉर्म है यूट्यूब की तरह, वहां पर यार एस्का को लोग जानते हैं लेकिन अपने YouTube पे ही एस्का को नहीं जानते हैं लोग। तो यार मेरा बस यही कहना है कि यार अगर कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ये वीडियो देख रही है तो यार मैं क्या बोलूं, यार आपको खुद ही मैं सुना देता हूं एस्का के खुद के शब्द क्या हैं। अभी भी मैं इसमें खेलता हूं और इसमें मैं खेल सकता हूं। इट्स नॉट अबाउट अ डिवाइस, इट्स अबाउट एक अच्छी टीम, ओवरऑल वो एक्सपीरियंस वाली टीम। अभी मेरे को कोई अच्छी टीम मिल जाए, कोई भी इंडिया की जो टॉप टीम्स हैं उनके साथ अगर मैं कोई, मैं ये भी नहीं बोल रहा मैं टीम में ले लूं, मैं तो ये बोल रहा हूं
कि अगर आपको एक प्लेयर चाहिए तो एक बार मेरे को ट्राई आउट देके देखो, 2 हफ्ते का ट्राई आउट देखे देखो, 3 हफ्ते का ट्राई आउट देखो, मेरे गेम्स के गेम सेंस देखो, मेरे गन स्किल्स देखो, मेरे कम्युनिकेशन देखो, फिर डिसाइड कर लेना आपको नहीं पसंद आएगा मत लेना, और पसंद आएगा तो यार मैं तो कब से भूखा पड़ रहा हूँ भाई, मैं तो कब से मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि मैं थक चुका हूँ। और यार इस सब के बाद भी यार मेरा सबसे ज्यादा दिल टूटता है यार इसके कम्युनिटी पोस्ट देखकर, मतलब यार इस सब के बाद भी कोई भी रिकग्निशन नहीं मिला ज़्यादा जितना यार ये डिजर्व करता है बंदा। इसको भी यार मैं खुद से ही वीडियो बना रहा हूँ, मैंने ही खुद से अप्रोच किया इसका को, इसका ने मेरे को कभी भी खुद से नहीं बोला इस सब के बाद भी कि यार आप वीडियो बनाओ, मेरा खुद से दिल दुखा यार। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से हैं तो प्लीज़ यार गिव इसका अ चांस, क्योंकि यार उसके पास में बस 1-2 महीने ही बचे हैं, उसके बाद में यार उसके फाइनल ईयर के एग्जाम्स भी ख़त्म हो जाएंगे, तो यार उसके बाद में यार उसकी जो रियल लाइफ की चीज़ें हैं यार वो उसको रोकने लगेंगी। अगर यार उसको अभी भी चांस मिलता है तो यार वो अपने पेरेंट्स को कुछ दिखा पाएगा। यार मैं आपको बताऊं तो यार चाइना में इतना ज़्यादा इसका नाम है कि चाइना की एक टीम है यार वो इसको चाइना तक बुलाने के लिए रेडी हो गई थी, वो ये भी रेडी हो गई थी कि यार हम आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको आपका हम अगर आप चाइना में करियर बनाना चाहते हैं तो आप हम आपको अपने यहाँ बुलाएंगे, आपको सब कुछ देंगे। लेकिन यार ऐसे यार कौन जा सकता है यार अपनी टीम मतलब इंडिया को छोड़ के यार अपनी पढ़ाई को छोड़ के सीधा चाइना में ही चला जाए। और यार डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे हर चीज़ के, आपको यार पैरा बॉय इसको जानता है, पैरा बॉय रिस्पेक्ट करता है इस बंदे की, और यार 4AM के तो इसके बहुत अच्छे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं यार 4AM के बंदे। तो यार मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है, और यार प्लीज़ गिव इसका अ चांस, जो यार ये डिज़र्व करता है इसको यार मिलना चाहिए है। मैं यार बस यही काम कर रहा हूँ कि आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचा रहा हूँ, और मैं बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ गेमिंग विद ऑस्मियम को जिसने सबसे पहले यार इस बंदे को आगे लेके आया। तो यार थैंक यू सो मच इतने बड़े सितारे को यार हमारे सामने लाने के लिए, और ये सितारा यार खो ना जाए कहीं, इससे पहले इस बंदे को यार मौका देकर देखिए, ये हमारे इंडिया का नाम ज़रूर रोशन करेगा अगर इसको मौका मिलता है। तो यार दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यार अगर आप चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही टैलेंट्स को बहुत ज़्यादा मौका देने का पूरी कोशिश करूँगा अपनी साइड से, और अच्छा मैं भी यार इम्प्रूवमेंट बेस्ड कॉन्टेंट लाता हूँ। और इसके अलावा यार इसका भी भाई अपनी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ डालता है, केवल गेम प्ले की ही नहीं टिप्स की भी यार, कंपेरेटिव स्क्रिम्स की भी, एक्सपीरियंस की भी, हर चीज़ की यार आपको वीडियो मिल जाएगी इसके चैनल पे, इवन यार T1 स्क्रिम्स की लाइव स्ट्रीम भी आपको मिल जाएंगी। तो यार इससे ज़्यादा तो मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, बाकी तो आप लोगों की मर्ज़ी है। और इसके अलावा यार वैलेंटाइंस डे है कल, तो आपको मेरे चैनल पे एक वैलेंटाइंस डे स्पेशल मोन्टाज दिखेगी जो मेरे सारे मोन्टाजेस से बहुत ज़्यादा अलग होगी, और ये 30K स्पेशल मोन्टाज होगी, तो यार चैनल पर बने रहिएगा। और यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।